Hi everyone, I am Vijayalakshmi Jaiswal, your EVS teacher, and I welcome to all of you in my EVS class. Students, today I will explain second chapter of EVS. So everybody take out your EVS book, Green Earth. Okay, students, everybody open page number 6. Now I will explain lesson 2. Chapter name is Our Body. Okay student, our body ka arth hota hai hamara sharir. So let's start the chapter. Do you know that our body is like a machine? It has many parts. Each part is called an organ. Some organs are external and some are internal. बच्चों, हमारा शरीर एक मशीन की तरह काम करता है जिसमें कि बहुत सारे पार्ट होते हैं, जिसे कि हम ऑर्गन यानी कि शरीर के अंग कहते हैं। ये कुछ अंग हमारे शरीर के एक्सटर्नल यानी कि बाहरी अंग होते हैं और कुछ भीतरी अंग होते हैं। ओके, सो फर्स्ट वी विल रीड अबाउट एक्सटर्नल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल ऑर्गन, जैसा कि बच्चों भी हमने आपको बताया, जो हमारे शरीर के बाहर होते हैं। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन्स, हैंड्स, लेग्स। आवर एक्सटर्नल ऑर्गन्स आर ईयर्स, नोज, आईज, हैंड्स एंड लेग्स। ईच ऑर्गन हैज इट्स ओन फंक्शन टू परफॉर्म। आवर लेग्स एंड हैंड्स हेल्प अस टू सिट, स्टैंड, वॉक, रन एंड वर्क। तो बच्चों, हमारे ये सभी एक्सटर्नल ऑर्गन्स को आप पिक्चर में देख सकते हो और प्रत्येक अंग का अलग अलग काम होता है। सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन बच्चों ज्ञानेंद्रियाँ, जिससे कि हम चीज़ों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उनका स्वाद पहचान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सेंस ऑर्गन्स मेक अस फील और सेंस द थिंग्स अराउंड अस। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी। दे आर, तो बच्चों अभी हमने आपको बताया सेंस ऑर्गन क्या होता है। तो हमारे सेंस ऑर्गन 5 होते हैं हमारे शरीर में। सो फर्स्ट इज स्किन, यानी कि हमारी त्वचा। हेल्प अस इन सेंस ऑफ फीलिंग और टच। जब हम स्किन पे ठंडा गर्म कुछ भी टच होता है तो हम फील कर सकते हैं स्किन के थ्रू। आईज हेल्प्स अस इन सेंस ऑफ साइट। आईज के द्वारा हम सभी देख सकते हैं। नोज हेल्प अस इन सेंस ऑफ स्मेल। नोज से हम लोग स्मेल ले सकते हैं। ईयर्स हेल्प्स अस इन द सेंस ऑफ हियरिंग। ईयर के द्वारा हम सुनते हैं। टंग हेल्प्स अस इन द सेंस ऑफ टेस्ट। और टंग के द्वारा हम किसी भी चीज़ का स्वाद बता सकते हैं। ओके बच्चों, स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड अबाउट इंटरनल ऑर्गन्स, यानी कि आंतरिक अंग। द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन साइड इट। दे आर ब्रेन, स्टमक, हार्ट, लंग्स एंड अदर ऑर्गन्स। यू कैन सी द ऑल इंटरनल एंड ऑर्गन्स पिक्चर हियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट इज ब्रेन। ब्रेन कंट्रोल्स ऑल अवर एक्शंस लाइक थिंकिंग, हियरिंग, स्पीकिंग एट्सेट्रा। बच्चों, हमारा जो मस्तिष्क होता है हमारे शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। उसी के द्वारा हम सोच सकते हैं, सुनते हैं और बोल भी सकते हैं। इसके अलावा भी ब्रेन के बहुत काम होते हैं। सेकेंड वन इज स्टमक। व्हेन वी ईट फूड इट गोज फ्रॉम द माउथ टू ए बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टमक। फूड इज डाइजेस्टेड इन द स्टमक। तो हियर इट इज़ द पिक्चर ऑफ द स्टमक। बच्चों, जैसे ही हम अपना भोजन करते हैं, मुंह के द्वारा खाते हैं, ये बैग के तरह का जो हमारा स्टमक का स्ट्रक्चर होता है, इसमें चला जाता है और डाइजेस्ट होता है। थर्ड इज हार्ट। द हार्ट पम्प्स ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो हार्ट्स होता है हमारे ब्लड को पंप करके शरीर के दूसरे अंगों तक पहुँचाता है। हियर इज द पिक्चर ऑफ हार्ट। नेक्स्ट इज लंग्स। पुट योर हैंड ऑन योर चेस्ट, इट गोज अप एंड डाउन। This is because there are two bag-like structures inside your chest. These two bags are called lungs. They help you in breathing. तो बच्चों, लंग का मेन काम होता है, फेफड़ों का मुख्य काम क्या होता है, ये हमारी ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। Here is the picture of lung. Okay? And you should also know, students, regular exercise helps to keep our body organs healthy. यदि हम प्रतिदिन व्यायाम करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है। Okay बच्चों, read this chapter again and again. And try to do exercise work yourself. Thank you, everyone.